वेलकम टू देव एम टी आर। फाइनली दोस्तों, ये रही 2023 की न्यू मॉडल होंडा हाइनेस CB350 डीलक्स प्रो मॉडल OBD2 BS6 अपडेट के साथ, जो कि एक नया कलर है। इस बाइक में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, नई ऑन रोड कीमत क्या है, और इस बाइक में टोटल अब आपको कौन कौन से नए कलर मिल जाते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना। शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो इसमें आपको गोल हेडलाइट मिलती है, जिसके चारों तरफ आपको मिलता है थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट, और स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है पूरा का पूरा। ऊपर में छोटी सी एलईडी डीआरएल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एलईडी वाले टर्न फ्लैशिंग इंडिकेटर, साथ में आपको हैजार्ड भी मिल जाता है। बाकी आगे वाला जो मडगार्ड आप देख रहे हैं, ये मेटल में क्रोम फिनिशिंग का दिया गया है। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर आपको सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। फ्रंट में 310 mm की डिस्क मिलती है ABS के साथ, जिसमें निसिन के कैलिपर। टायर की बात करें तो 190/19 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर का सेटअप मिल जाता है। आगे वाला जो व्हील है वो आपको 19 इंच का ब्लैक कलर में दिया है। चलते हैं पीछे की ओर, और पीछे में ट्विन हाइड्रोलिक टाइप के यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। पीछे वाला जो टायर है वो 130/70/18 का मिलता है, और ये भी टायर आपको पूरा का पूरा ट्यूबलेस मिलता है। पीछे में 240 mm की डिस्क मिलती है। ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। पीछे वाले टायर की मोटाई है 130 mm, जो कि क्लासिक 350 से 10 mm ज़्यादा है। और पीछे वाली जो टेल लाइट है वो आपको LED में, और LED वाले टर्न फ्लैशिंग इंडिकेटर, और पीछे में आपको नंबर प्लेट के लिए भी लाइट मिल जाती है। बाकी ऊपर में आपको मिलता है सिंगल पीस ग्रैब हैंडल होंडा की बैजिंग। क्लासिक 350 की तरह यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। सीट के अंदर की जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें आपको कॉफ़ी कलर का मटेरियल देखने को मिलता है। इसमें 800 mm की सीट हेड मिलती है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में हाइनेस CB350 का 3D में लोगो है, और ये जो पैनल है ये मेटल बॉडी के मिलते हैं, प्लास्टिक के नहीं है। पहला सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर आपको होंडा का 3D क्रोम में लोगो, और बाकी मैट ब्लैक और सिल्वर कलर के नए ग्राफिक्स और नया कलर इस बाइक में दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है, ये E20 OBD2 BS6 का मॉडल है। जैसा कि ये बाइक 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल से चलने वाली है। 15 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक है। नीचे में आपको हैजार्ड का स्विच, और सबसे पहले मैं आपको इस बाइक के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 181 किलोग्राम, और इसमें आपको क्रोम की हैंडल बार मिलती है, होंडा का 3D में लोगो। चाबियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल की मिलती है होंडा की बैजिंग के साथ, और इसमें आपको मिलता है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप, जिसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स, यहाँ पर आपको इको इंडिकेटर, ABS गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स मिलता है, जो आपको क्लासिक 350 में नहीं दिया जाता है। बाकी इसमें आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, घड़ी मिल जाती है, बैटरी के वोल्टेज भी देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको रियल एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, मतलब कि रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ में ओडोमीटर ट्रिमीटर मिल जाता है। रेंज भी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है इसके डीलक्स प्रो मॉडल में, जो आपको क्लासिक में नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्विचेस मिलते हैं क्रोम के, यहाँ पर आपको साइड मिरर मिलते हैं, यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न। इस बाइक में आपको ड्यूअल हॉर्न मिलते हैं, और साथ में आपको इंडिकेटर वाले बटन, और यहाँ पर आपको क्लच भी इसकी काफ़ी लाइट है दोस्तों। तो अभी हम बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो इंजन भी आपको पूरा का पूरा प्रीमियम मिलता है, होंडा का क्रोम में लोगो, थोड़ा सा क्रोम, और यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का इंजन है। बाकी ये है इसके ब्रेक पैड, और बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो आपको बाइक के एकदम सेंटर में मिलते हैं, बीच में मिलते हैं। 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी ये है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, और इसी के साथ इस बाइक में आपको क्रोम के साथ यहाँ पर आपको ड्यूअल हॉर्न मिल जाते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्रेडल फ्रेम का सेटअप मिलता है। बाकी इस बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, और बाइक का जो साइलेंसर आप देख रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा यहाँ पर मफलर गार्ड का ही यूज किया गया, पूरा का पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट है। देखने में भी काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है। यहाँ भी आपको एल्यूमिनियम के एडजस्टेबल फुटपैक्स। इसमें 348 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन 21.07 PS की मैक्स पावर देता है 5500 RPM पर, और 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है 3000 RPM पर। बाइक में आपको 30 का माइलेज मिलता है, और ये बाइक 130 की टॉप स्पीड तक आसानी से चली जाती है। टॉर्क भी इसमें 3 mm ज़्यादा है दोस्तों, बुलेट 350 के मुकाबले। अब मैं आपको इसके टोटल नए कलर दिखा देता हूँ। तो पहला यहाँ पर आपको एक नया कलर मिल जाता है 2023 के अप्रैल महीने में, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर और होंडा का क्रोम में 3D में लोगो,
और ग्रे कलर और वाइट कलर के नए शानदार ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पर हाईनेस सीवी 350 का लोगो है। बाकी इसकी जो सीट हैं, जैसा कि ये डीलक्स प्रो मॉडल है तो इसमें आपको कॉफ़ी कलर वाली स्प्लिट सीट मिलती है। ये E20 OBD2 BSX वाला ही मॉडल अभी आप देख रहे हैं, ये एक नया कलर है। दूसरा इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है। ये डीलक्स वाला मॉडल है जो कि सेकंड टॉप मॉडल है। यहाँ भी आपको पूरा का पूरा ब्लैक कलर की स्प्लिट सीट मिल जाती है। इस बाइक में बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज किया गया। पीछे में मैट ब्लैक कलर का मडगार्ड है। क्रोम का यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। बाकी बाइक का जो आगे वाला मडगार्ड है वो मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। साइड से भी आप इसको देख सकते हैं, ये भी E20 OBD2 BSX वाला ही मॉडल अभी आप देख रहे हैं दोस्तों। तीसरा ये है इसका मैट ग्रीन कलर, ये भी कलर अब अपडेट हो चुका है। जैसा कि ये E20 OBD2 BSX वाला ही मॉडल है, पहले ये जो कलर है वो आपको फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन में मिलता था। इसमें अब आपको कॉफ़ी कलर की सीट मिलती हैं, वही सेम चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो कलर एक नया है। और बाकी ये है चौथा इसका मैरून कलर ग्लॉसी फिनिश में, और इसमें भी आपको कॉफ़ी कलर की सीट मिल जाती है। क्रोम का बहुत सारा इसमें स्पेयर पार्ट्स को यूज किया गया। ये है इसका डीलक्स प्रो मॉडल, ये भी E20 OBD2 BSX वाला मॉडल आप देख रहे हैं। चौथा इसमें आपको एक और ब्लैक कलर मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के आगे वाले मडगार्ड मिलते हैं। बाकी ये हैं सीवी 350 RS रेड कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी छोटी मिलती है, जैसा कि एक रेट्रो बाइक है। दूसरा इसमें आपको ग्लॉसी ब्लू कलर मिल जाता है। तो चलिए ये तो हो गई भाई कलर की बात, इनकी जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सभी कलर में आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरी साइड में चलते हैं तो यहाँ भी आपको होंडा का क्रोम में 3D में लोगो, हाईनेस की बैजिंग 350 के साथ, और यहाँ पर आपको छोटा सा एक लॉकर मिल जाता है जिसमें हेलमेट वगैरह भी आप लटका सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ीगार्ड मिलता है। इसका जो चैनसेट कवर है ये प्लास्टिक बॉडी में ओपन है, और इसमें आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं। टायर के प्रेशर को यहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको पूरा का पूरा FI का सिस्टम मिलता है। ये जो इंजन है वो एयर कूल्ड है और होंडा की बैजिंग दी गई है। गियर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है। बाइक में आपको 5 गियर मिल जाते हैं। इसका जो इनिशियल है, मिड है, जो टॉप एंड है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी साइड स्टैंड इंजन गडॉप सेंसर भी मिलता है। तो प्राइस की बात करें तो हाईनेस सीवी 350 डीलक्स प्रो क्रोम की एक्स शोरूम कीमत है 214,856 रुपये, ऑन रोड कीमत है 256,661 रुपये, और हाईनेस डीलक्स प्रो मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 212,856 रुपये, ऑन रोड कीमत है 254,424 रुपये। हाईनेस डीलक्स मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 209,857 रुपये, ऑन रोड कीमत है 251,068 रुपये। जो मैंने आपको बताई है होंडा बिग विंग शोरूम नोआपारा चिनार पार्क कोलकाता शोरूम की, शोरूम की सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।